आज हम सहरी बना रहे हैं। सहरी में बनाते तो डेली हैं, लेकिन आज मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ। मैं सहरी में क्या सिंपल सी हमारे घर सहरी होती है, तो सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रखी है। इसमें इलायची एक पीस के डाली है, और बहुत ज़्यादा तकल्लुफात नहीं होते सहरी में। ये इस पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ अपने जायके के हिसाब से, हल्की तेज़ जैसे आप। ये मैं गैस का ज़रा प्रॉब्लम होता है काफ़ी, तो मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, जैसे पराठे बनते रहेंगे और साथ साथ चाय भी हमारी रेडी होती रहेगी। चाय की पत्ती ऐड कर रही हूँ, कल का सालन कल बनाया था, देसी चिकन है, चाय बन रही है, और ये चटनी कबाब मैं फ्राई करूंगी, और ये देसी चिकन है, ये गरम करेंगे और साथ लस्सी बनेगी और पराठे बनेंगे। कुछ टाइम गुजरता है और गैस पूरी नहीं होती, बस जल्दी जल्दी में मैं सहरी बना रही हूँ। हमारे पराठे बनने वाले हैं, रेडी में बस एक ग्लास पराठा लेंगे, चटनी कबाब फ्राई करेंगे, और सहरी चाय बनने वाली है, लस्सी बना रहे हैं। सहरी जी, तो व्यूअर्स पराठे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और चटनी कबाब में फ्राई डाल रही हूँ। पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे घर में बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, और नमकीन लस्सी बनती है। तो ये देखें कबाब फ्राई होने वाले हैं, ये मैंने लास्ट एक दो दिन पहले वीडियो में मैंने दिखाए थे, कितने मज़ेदार इनके लुक देखें, कितने ज़बरदस्त हैं ये रेडी मेड चिकन चटनी कबाब। ये मैंने बना के फ्रीज किए हुए थे पराठे के साथ, सहरी में अक्सर मेरे घर यही फ्राई हो जाते हैं। और ये लस्सी बन रही है, इसमें पानी ऐड करके दही ऐड किए, नमक और आइस क्यूब्स ऐड किए हैं, बस लस्सी रेडी हो रही है। तो हमारे पराठे भी रेडी हैं, और ये कबाब भी रेडी हैं, चपली कबाब भी, और ये चिकन गरम कर लिया सालन, और लस्सी और चाय बन गई है। अब हम लोग सहरी करने लगे हैं। इसके साथ ही आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।